खबर की तरफ बढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आप भी सोशल मीडिया पर होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। खुमार ऐसा है कि कुछ लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें बस एक लाइक चाहिए, एक हिट चाहिए और वो कुछ भी करते हैं। इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक शख्स ने रील बनाने के लिए बंदर के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भी इस युवक के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंदौर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। रील के लिए एक बंदर को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स रेलिंग के पास जाता है। यहां एक बंदर बैठा हुआ है, बंदर को खाने का लालच दिया जाता है और जब बंदर उसे खाने लगता है तो लड़का मौका पाकर बंदर को जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे बंदर रेलिंग से नीचे गिर जाता है। ये सनक है रील्स बनाने की। बेजुबान के साथ ये व्यवहार थप्पड़ मारने वाले शख्स को भारी पड़ सकता है। मामले में पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। रील्स बनाने के लिए लोग नए नए तरीके तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानवरों के साथ बेहद बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। तो ये बात हुई इंदौर की, तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब आपको उन स्टंटबाजों से मिलवाते हैं जो स्टंट के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। कोई बाइक पर स्टंट कर रहा है तो कोई कार की छत पर बैठकर रील बना रहा है। कई बार इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की जाती है और की भी गई है, लेकिन हालात फिर भी जस के तस है। और कई बार रील बनाने के चक्कर में हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सबक लेने को कोई तैयार ही नहीं है। एक रिपोर्ट। आजकल सोशल मीडिया पर रील्स का क्रेज कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। लोग भी रील्स बनाने के लिए कुछ ऐसे ही स्टंट कर रहे हैं, चाहे जान चली जाए। कुछ ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बैतूल से स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी हैं कि युवाओं को जान से ज्यादा रील्स बनाने की फिक्र है। इन तस्वीरों को देखिए, ये युवक रील बनाने के लिए सड़क पर स्टंट कर रहा है। तस्वीरें मुल्ताई की जहां भीड़ के बीच युवक स्टंट कर रहा है। युवक कभी बाइक पर खड़ा हो जाता है तो कभी एक पहिए पर बाइक चला रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रील्स बनाने का खुमार खुद को हादसे का शिकार बनाएगा ही, साथ ही दूसरों की भी जान ले लेगा। अब इंदौर की तस्वीरें देख लीजिए जहां रईस ज्यादा ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। वीडियो में कार छत पर हुड़दंगी बैठे हुए दिख रहे होंगे। ना इनको कोई रोका, ना इनको किसी ने टोका। ये खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। पुलिस भी बेखबर दिखी है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कार्रवाई के नाम पर चालान काट दिया जाता है जिसका कोई असर नहीं दिखता। इस तरह के स्टंट पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे इस तरह के वीडियो सामने ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात तस्करी की नई नई तरकीबों की। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर सोना तस्करी का फिर एक मामला पकड़ा गया है। इंदौर कस्टम कमिश्नरेट एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 3 यात्रियों से सोना बरामद किया। दरअसल ये सोना चांदी की शक्ल में ले जाया जा रहा था, इस पर चांदी का रंग चढ़ाया हुआ था। दुबई से लाए गए इस सोने की तस्करी करने वाले यात्री दिल्ली, जोधपुर और नागपुर के रहने वाले हैं। शक हुआ तो यात्रियों को रोककर इनसे पूछताछ की गई और इसी दौरान एक्सरे में एक यात्री के शरीर के भीतर कुछ छुपा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली। तो ये सोने की तस्करी का जो मामला है वो अब आपको बताते हैं कि आखिर सोने की इतनी बड़ी खेप को कैसे दुबई से इंदौर तक लाया गया। आरोपियों ने सोने का पेस्ट बनाकर कैप्सूल बनाया, कैप्सूल को फिर प्राइवेट पार्ट्स में छिपाया गया। सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी भी कस्टम विभाग को बरामद हुई, इस पर चांदी की प्लेटिंग की गई थी। और सोने का कड़ा यानी हाथ में जो पहनने वाला कड़ा होता है उसे भी इन लोगों ने पहना हुआ था। चेन बरामद हुई, बेल्ट पर भी सोने का लॉक लगा हुआ था और इसका रंग भी चांदी जैसा ही रंगा हुआ था।
और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें हादसे लगातार हो रहे हैं, सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। गुना हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है और सड़क पर दौड़ रही बसेस की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रशासन ने कई बसों की जांच की। तीन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन की ओर से गुना, सीधी और दुर्ग में बसों की जांच की गई और इस दौरान बसों में जो भी कमियां पाई गई, मसलन उसका सर्टिफिकेट, फिटनेस जैसी जो भी परेशानियां, इस पर चालानी कार्रवाई भी की गई। कई जगह पर ऐसी बसें चल रही हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है, लोगों की जान पर बन सकती है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुना, सीधी और दुर्ग से। गुना बस आगजनी घटना के बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने सिकरवार बस सर्विस पर शिकंजा कसा है। यातायात और परिवहन विभाग ने संबंधित बस कंपनी की अब तक 10 बसों को जब्त कर लिया है और अन्य बसों की तलाश लगातार की जा रही है। प्रशासन की ओर से अब तक 190 बसों की जांच की गई, इनमें से 95 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जिस ट्रांसपोर्टर की ये बस है उनको जब्त किया गया है। 6 बस संयुक्त कार्रवाई में कल जब्त की गई थी और आज अभी 2 बस यहाँ बस स्टैंड पे खड़ी पाई गई, उनको जब्त किया गया है और सुरक्षा ट्रैफिक थाने भेजे गए हैं। 2 बसों की जानकारी देहात थाना क्षेत्रों से आ रही है, उन पर भी कार्रवाई जारी है। और इस बीच सीधी कलेक्टर साकेत मालवी अपने दलबल के साथ औचक निरीक्षण करने बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बसों के परिचालन के संबंध में फिटनेस, फायर सेफ्टी, आपातकालीन गेट और अन्य सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में जांच की और साथ ही नियमों के अनुकूल बसों के परिचालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ पर अधिकारी द्वारा दिए गए। राज्य शासन के निर्देशानुसार अभी जितने भी हमारे यात्री बसेस हैं और स्कूल बसेस हैं, इनके फिटनेस, परमिट इत्यादि, ड्राइवर के वेरिफिकेशन, इन सारे मुद्दों पे जो कि नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, इन पे अभियान के तौर पर जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा इसमें विगत 2 दिवस से काफ़ी रिग्रस चेकिंग कराया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि प्रत्येक वो बस जो यात्रियों को लेके या बच्चों को लेके रोड पे चल रही है उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिटनेस हो, उसमें परमिट का व्यवस्थित सिस्टम हो जो RTO द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम हो, तो इन सब जो मूलभूत आवश्यकता हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उसमें उपलब्ध हों। अगर कोई परमिट नहीं है या उसमें फिटनेस वगैरह नहीं है तो ऐसे बसों को। अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य श्रीराम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और इसके लिए अयोध्या समेत देश भर में तैयारियां चल रही है। भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारियां चल रही है और ये तस्वीरें जो है हम आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं अपनी वॉल पर। आज छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में भरकर कोई 3000 मीट्रिक टन चावल जो है वो अयोध्या पहुंचाया गया और इसको जब श्रीराम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान भंडारा किया जाएगा और उस भंडारे में इस चावल का इस्तेमाल होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने चावल से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। और राहुल, मुझे लगता है ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की है जब ये धान, माफ कीजिएगा, ये चावल जो है, सुगंधित धान जो है वहां से चावल के रूप में भेजा गया था और ये चावल उनके ननिहाल से आ रहा है और ये बेहतरीन क्वालिटी का चावल है जो कि महाभंडारे भोग में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 300 मीट्रिक टन चावल भेजा जा रहा है। बिल्कुल। तो साहब वो कृतार्थ हो गए कि खाद्य मंत्री बनने के बाद उनके हाथ से पहला कोई काम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु राम को चखने के लिए चावल जा रहा है। शायद प्रभु राम भी इंतजार कर रहे थे कि मेरे मामा घर से मेरा भोजन आएगा और वो भोजन राइस मिल एसोसिएशन भेज रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इस दौरान 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स की शुरुआत की।
आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी 140 करोड़ देशवासियों से अपील है कि 22 जनवरी को अपने घर पर हर भारतवासी श्री राम ज्योति जरूर जलाए। 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाने का प्रावधान भी वो बता रहे हैं। साथ ही सभी को 22 जनवरी को अयोध्या आना मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और ये राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों की 8 तस्वीरें। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, उन्होंने कई योजनाओं को समर्पित किया अयोध्या की जनता को, करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को, और उससे जुड़ी 7 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 में आप देखिए प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और ये देखिए तस्वीरें बड़ी वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे थे तो हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया, और उसके बाद वहां एक रैली नुमा राहुल यहां पर तस्वीरें देखने को मिली जब प्रधानमंत्री निकले। इसी तरह की भव्यता उनके रोड शोज और इस कार्यक्रम में इस तरह की हुआ करती है। जोरदार स्वागत आशीष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि करीब 21-22 दिन रह गए। और उससे पहले इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और भव्य स्वागत की तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शक देख सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न में बारिश खलल डाल सकती है, मौसम विभाग ने ऐसा पूर्वानुमान जताया है नए साल पर। आशंका जताई गई है कि ऐसे में एमपी और छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं, अगर तो बारिश से बचने के लिए इंतजाम जरूर कर ले, नहीं तो जश्न का मजा बिगड़ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल का जश्न शुरू हो गया है, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज नए साल के जश्न को फीका कर सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की आगोश में हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश में 4 जनवरी तक दिखेगा। कई क्षेत्रों में बारिश होने और ओले गिरने की आशंका भी है। 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में ओलावृष्टि और बारिश की आशंका है। उधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में नए साल के जश्न में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम बदल रहा है, लेकिन नए साल के जश्न को लेकर लोगों में उत्साह इससे भी ज्यादा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। नए साल से पहले पिकनिक मनाने सैलानी मैनपाट के टाइगर पॉइंट पहुंच रहे हैं। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सैलानियों ने यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की है। एक भी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से, और कोई सुरक्षा नहीं है, और कोई घटना घट जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, ये शासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। सुरक्षा के लिए तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई बच्चे या कोई युवा या कोई बुजुर्ग कहीं गिर ना जाए। तो बहुत नज़दीकी जाकर सेल्फी लेने के लिए तो मना ही होना चाहिए, रोक होना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ बोर्ड लगा देने से नहीं होगा, शासन प्रशासन की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। एक हफ्ता पहले से तैयारी हो जानी चाहिए। हाँ, बहुत जो दिख नहीं रही है। नए साल के जश्न को लेकर दुर्ग पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को समय पर बंद करने की अपील की है। नशीले पदार्थ पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नए साल के अगर न्यू ईयर के जश्न के लिए प्लानिंग आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो इंतजाम है बारिश से बचने का भी कर रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और राज्य भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।